नमस्कार, INI न्यूज में 25 लगातार खबरों के साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गायत्री प्रजापति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को भी फटकार लगाई थी। टालमटोल का रवैया अपना रही यूपी पुलिस से कोर्ट ने 8 हफ्ते में रिपोर्ट देने को भी कहा है। BSP प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने मोदी के गोद लिया बेटा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जनता अब प्रदेश की बेटी को जिताने का मन बना चुकी है। बिहार के बाहुबली RJD नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली लाया गया है। शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। शहाबुद्दीन को पटना से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली लाया गया। भभुआ थाना के ढांडीटी गांव में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस लीक होने से खाना बना रही महिला बुरी तरह झुलसी। ग्रामीणों की मदद से महिला को भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू किया। झुलसी महिला पिंकी देवी पति अभिषेक सिंह बताया जा रहा है, जहां पुलिस जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कमलपुर गाँव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोगों पर जुर्म दर्ज किया है, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा है कि चुनाव शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंत्री के खिलाफ रेप का FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप और रेप के बाद हत्या का आरोप है। तमिलनाडु विधानसभा में भारी हंगामे के बीच CM पलानी सामी ने विश्वास मत जीता। 122 विधायकों ने पलानी सामी का समर्थन किया। तमिलनाडु विधानसभा में आज गुप्त मतदान को लेकर भारी हंगामा हुआ है। विधानसभा को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पहल पर प्रदेश के कई शहरों में मंत्री और विधायकों ने स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाया। बच्चों ने मंत्रियों से कई विषयों पर सवाल जवाब भी किए। अपने बीच मंत्रियों को पाकर बच्चे भी खासे उत्साहित हुए। बोकारो में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले प्रेम प्रकाश चौधरी के पत्नी के खाते में करीब 10 करोड़ रुपए आ जाने के बाद वो बीमार पड़ गई। परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस को की और कहा, जिसका पैसा है वो ले जाएं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों के परीक्षा केंद्रों में नकल मुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने पुलिस बल के सहयोग से परीक्षा केंद्रों में आपराधिक तत्वों से सुरक्षा और नकल को रोकने अहम भूमिका निभा रहे हैं। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीर टाड़ और खुखरा थाना इलाके से पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार करने में सफल रही। खुखरा से गिरफ्तार नक्सली पर पुलिस पार्टी को उड़ाने का आरोप था, जबकि पीर टाड़ से गिरफ्तार नक्सली यदुनंदन पर 2 ग्रामीण का गला रेत हत्या का आरोप था। मोहनिया भभुआ मुख्य सड़क पर 2 बाइक सवार की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल। इलाज के दौरान एक युवक चुलबुल पांडे की मौत। दूसरा युवक राहुल की स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी किया रेफर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 72 घंटे के अंदर गया शहर के तमाम मॉल एवं बड़ी दुकानें, जिसका संबंध कहीं न कहीं माफियाओं से रहा हो, उसे बंद करा देंगे। शेखपुरा में आपसी विवाद को लेकर चली गोली, एक 8वीं क्लास की छात्रा घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर विवाद के कारणों की जांच में जुट गई है। गोली चलाने वाला आरोपी फरार है। वहीं पुलिस इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते दिखे। रोहतास पुलिस का एक और काला चेहरा सामने आया। इन दिनों काराकाट थाना के थाना प्रभारी के सह पर उनके अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी जमकर सड़क से लेकर गांव तक वसूली में जी जान लगाए हुए हैं। झारखंड में लातेहार जिला के चंदवा वन क्षेत्र परिसर में लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 70 कृषकों को प्रशिक्षित करने समेत स्वावलंबी बनने के गुर सिखाए गए। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर पुलिस ने केवल वायर चोरी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना फरार है। पुलिस ने आरोपियों से 1025 मीटर केबल वायर, एक छोटा हाथी व 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। जब्त वायर की कीमत 1,56,000 रुपए बताई गई है। आगरा में चेकिंग, गश्ती और कार्रवाई को किनारे कर आगरा पुलिस अवैध उगाही में मशगूल। रात 3 बजे से शुरू होता है आगरा की थाना एतमादौला पुलिस की उगाही का खेल। खाकी वर्दीधारियों के साथ प्राइवेट गुर्गों के जरिए पुलिस करती है उगाही।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल शनिवार को रतनपुर प्रवास पर रहे। मां महामाया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यहां से नवनिर्मित सिद्धि विनायक परिसर पहुंचे। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय शिविर रतनपुर में आयोजित किया गया है। इसके तहत स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। यूं तो विश्व की धरोहर ताजमहल अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकाम रखता है, लेकिन इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान फूलों की तमाम किस्में आने वालों को लुभाएंगी। शेखपुरा पहुंचे लोक जन पार्टी सांसद चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद ने कहा कि कई केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार की शिथिलता की वजह से रुकी हुई है। सांसद ने राज्य सरकार पर अतिक्रमण के नाम पर महादलितों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। गायत्री प्रजापति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को भी फटकार लगाई थी। टालमटोल का रवैया अपना रही यूपी पुलिस से कोर्ट ने 8 हफ्ते में रिपोर्ट देने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोतवाली पुलिस पर सवालिया निशान। बीती रात युवक को मारी दबंगों ने गोली। परिजनों ने लगाया क्षेत्रीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप। फिलहाल घायल की हालत बिगड़ते देख परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम कुंभ। इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार द्वारा सन 2006 में की गई थी, जो इस वर्ष 10 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी। देश में होने वाले 4 कुंभों के अलावा राजिम कुंभ की ख्याति देश दुनिया में फैली है। यह मध्य भारत का प्रयाग बन चुका है। 25 लगातार खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INI न्यूज के साथ। नमस्कार।